कर लूं आपके साथ, लेट अस डिस्कस टू आंसर्स. एक थ्री जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू, ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्केल वेलोसिटी के फॉर्मूले उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं. श्रेया सीधे बैठ जाओ. और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट जी एम बाय आर, वेयर आर इज आर प्लस एच. ये चीज यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है. और एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट टू जी एम बाय कैपिटल आर, वहां तो कोई एच नहीं है, स्मॉल आर भी नहीं है, है ना. तो इनको जब आप कंपेयर करोगे तो ये अंडर रूट टू टाइम्स आ जाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी के, ठीक है. एक तो यहाँ पे गड़बड़ है, बहुत बच्चों ने रिवर्स लिख दिया है. नो टू विल नॉट सिट टुगेदर, इधर आ जाओ. नो 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 नो, एक आ जाओ. आप उठा हर्षनूर, अंडर रूट हाँ लिख सकते हो, एसके वेलोसिटी का अंडर रूट टू जी आर भी लिख सकते हो, बट आर कैपिटल होना चाहिए, अर्थ का रेडियस होना चाहिए. और कईयों ने क्या किया, अंडर रूट यहां तक डाल दिया, नीचे नहीं डाला, वो गलत हो गया, है ना. और मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज इन द फर्स्ट क्वेश्चन, वहां क्लियरली लिखा हुआ है फॉर एच क्वाइट लेस, मच लेस इन कंपेरिजन टू आर. इसका मतलब आपने ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना था, बाइनोमियल वाला. और अभी तक जितने मैंने चेक किए हैं, मैक्सिमम ने आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच स्क्वायर वाला लिखा, वो नहीं लिखना है ना. आपको स्पेशल केस दे दिया कि एच मच लेस देन आर, एच जो है मच लेस देन आर है जब, तब आपका बाइनोमियल वाला एक्सप्रेशन आना, इसको डिराइव करना था. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जी डैश ओवर जी इज आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच स्क्वायर किया है, वो तो आपकी हाइट इग्नोरेबल नहीं होती, रेडियस से इतनी कम नहीं होती उस केस में, तो वो कर दिया मैक्सिमम बच्चों ने, ठीक है. थ्री मार्क्स का था ये फर्स्ट क्वेश्चन, राइट. आफ्टर दिस सेकेंड क्वेश्चन था एट वॉट हाइट, मीन्स किसी डेप्थ पे और किसी हाइट पे जी सेम हो जाती है, इनमें रिलेशन निकालो. तो 1 माइनस 2h बाय आर, 1 माइनस डी बाय आर, ठीक है. तो ये आ जाता है d इज इक्वल टू 2h. सीधा ये देखो, d इज इक्वल टू 2h. आपने डेप्थ और हाइट वाले एक्सप्रेशंस को इक्वेट करना था, सिंपली सिर्फ इक्वेट करना था, और वहां से रिलेशन आ गया एच डी इज इक्वल टू 2h. हां जी देखो ये अंडरस्टूड है, हाँ वहां पे इंडिकेशन है उसकी. जब 1 माइनस डी बाय आर है तो 1 माइनस 2h बाय आर वाला यूज करोगे ना, तभी कुछ आंसर आना है आपको. वो कहां आप जाके क्वाड्रेटिक में फंस गए हैं कई बच्चे, अगर आप वो वाला एक्सप्रेशन ले लेते हो आर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर वाला, वो तो सॉल्व ही नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया ऐसे ही आपने. क्वेश्चन में लिखा हुआ है एच एंड डी आर लेस देन आर कहा हुआ है ना क्वेश्चन में, इसका मतलब यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है. अब एमसीक्यूज पे आइए. फर्स्ट एमसीक्यू था आपका कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक दैट. और नन ऑफ दीज आना है आंसर. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है. अगर डिस्टेंस 1 मीटर होता है तो हम उसको कहते हैं ग्रेविटेशन, उसकी डेफिनेशन देखी है ना आपने, उसमें मासेस भी 1 kg थे और डिस्टेंस भी 1 मीटर है. आप उठो अर्शदीप, इधर आ जाओ. मैं क्या कर रही हूं फिर, आप इधर आ जाओ, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन था कि एक सेंटर से हम अर्थ के एट अ हाइट हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ जा रहे हैं, तो कहां पे जी मैक्सिमम होगी इनमें से. मतलब आप सरफेस से स्टार्ट कर रहे हो, किसी हाइट पे जाते हो, दैट इज हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ,
तो आपका सरफेस ऑफ अर्थ पे जी मैक्सिमम नहीं होता, आप वहां पे ऑप्शन है सेंटर ऑफ अर्थ, वहां तो जीरो होती है, हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, जैसे जैसे हम हाइट के साथ जाएंगे जी तो डिक्रीज होगी। एक और ऑप्शन है एट अ डेप्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, वहां पे भी डिक्रीज होती है, सरफेस में मैक्सिमम होती है ना। तो इसका आंसर था एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इतना सिंपल क्वेश्चन था। देखो आगे हम डेरिवेशन कर रहे हैं, जो मेन रिजल्ट है उसके ऊपर बेस्ड था ये। अनदर क्वेश्चन वाज कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल अर्थ पे 9.8 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही है, हाउ मच फोर्स विल बी एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉल, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, 9.8 न्यूटन ही आएगा। सो दैट वुड बी ए पार्ट 9.8 न्यूटन ओनली, उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, लेस देन 9.8, मोर देन 9.8 तो आना ही नहीं है, इक्वल टू 9.8। क्या देखो, आपको बताया है प्रॉपर्टीज में मैंने कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ, द फोर्स दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ऑन द अदर एंड गेट्स इन रिटर्न बैक, दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ओनली, और उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, पता है ना ये, तो नेग्लिजिबल कैसे हुआ। हाँ वहां ऑप्शन थी नेग्लिजिबल वाली, कईयों ने लिखी हुई है, पर मैं ये पूछ रही हूँ फोर्स नेग्लिजिबल कैसे आएगा, कब आता है, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इस केस में नहीं आएगा। ठीक है चलो, अब हम कर रहे थे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। So I had drawn some symmetrical objects yesterday and I told you कि जो symmetrical objects का center होता है geometrical center, that is their center of mass also. आपको पता ही है एक rod का center of mass कहाँ पे होगा, geometrical center कहाँ पे होगा, mid point पे होगा, वहीं पे उसका center of mass भी है, मतलब whole of the mass of the rod will be concentrated here. We assume that this is concentrated here. Square. Point of intersection of diagonals. Square ke point of intersection of diagonals. Rectangle may be. Point of intersection of diagonals. Yahan pe hoga center of mass. Ring. Ring like a bangle. Hollow from inside. तो इसका जो geometrical center है, this will be the center of mass. कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या ये कैसे बनाए, पूछो क्या डाउट है। कल कोई पूछ रहा था एंड में जाते जाते कि ये कैसे बनाए सेंटर ऑफ मास, अब क्लियर है, इनका जो geometrical center है वही सेंटर ऑफ मास है, बायसिमेट्री, ठीक है ना, symmetrical है ये। ये हो गया रिंग, रिंग के बाद डिस्क, डिस्क इज हाँ, तो इसको भी सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं, सेंटर पे अज्यूम करोगे आप, तो ये डिस्क के प्लेट की तरह डिस्क, ये भी इसका भी सेंटर ऑफ मास है, ऐसे ही स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सभी के सेंटर पे होगा कौन, एट वन थर्ड ऑफ हाइट फ्रॉम द बेस, ये अगर एच है तो एट वन थर्ड ऑफ हाइट फ्रॉम द बेस कौन, कौन का सेंटर ऑफ मास लाए करेगा, क्यूब, अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, क्यूब, ट्राइंगल, सेंट्रॉइड, ये जो सेंट्रॉइड है इसका,
दीज आर द लोकेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मासेस ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. अगर सिमेट्रिकल नहीं है फिर कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? अगर एक साइड हैवी है एक साइड लाइटर है तो सेंटर ऑफ मास विल लाई क्लोजर टू विच साइड? लाइटर साइड की हैवियर साइड? हैवियर साइड. इट विल लाई क्लोजर टू द हैवियर साइड. देन कैन सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द मैटर ऑफ एन मैटर ऑल्सो? मतलब जहां पे कोई मैटर नहीं है वहां पे भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है? यस इट इज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल एट द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग का सारा मास बाउंड्रीज पे है बट फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है जहां कोई मैटर नहीं है सिमेट्री से. तो ये एक क्वेश्चन है कंसेप्चुअल कि कैन सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाई आउटसाइड द मैटर, आउटसाइड द मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट. एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, एट द सेंटर ऑफ टू इक्वल मासेस. हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल मासेस हैं, ठीक है, दो इक्वल मासेस हैं. इनका जो मिड पॉइंट है ना सेंटर पॉइंट, वहां पे कोई मास लाई नहीं कर रहा, ठीक है, पर सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा. एट द सेंटर ऑफ टू इक्वल मासेस, इट्स अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल मासेस, उनके सेंटर पे भी मास कोई नहीं आप देख रहे हो, पर सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का यहीं लाई करेगा जहां कोई मैटर नहीं है, जहां कोई मटेरियल नहीं है अदरवाइज. गॉट दिस? दो एग्जांपल दे सकते हो इसमें, रिंग के सेंटर पे और एट द मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल मासेस. एट द मिड पॉइंट ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल मासेस. Is that okay? Next, after this, equation of center of mass, center of mass ke coordinate locate karte hain. We are taking a two particle system. So let us consider a system consisting of two particles, ठीक है, particle number one, particle number two, they are exerting forces on each other. Force that first is exerting on second is force on one due to two and force on two due to one. हम उसको ऐसे बोल देते हैं and obviously action and reaction forces ही हैं. ठीक है, अब इसमें ये तो इंटरनल फोर्सेस है, लेट एक्सटर्नल फोर्सेस बी आल्सो एक्टिंग ऑन द सिस्टम. तो लेट अस राइट इक्वेशन फॉर फर्स्ट मास, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फोर्स, टोटल फोर्स ले लिया हमने. लेट अस से ऑन द फर्स्ट मास टोटल फोर्स एक्टिंग इज एक्सटर्नल प्लस इंटरनल. एक्सटर्नल फोर्स सपोज कर लो F1 है और इंटरनल इसके ऊपर लग रहा है बिकॉज ऑफ सेकेंड मास लग रहा है इसके ऊपर F12, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए होता है ना, हम उसको लिखेंगे डी स्क्वेर आर बाई डी टी स्क्वेर. लिख सकते हैं ऐसे R1 और ये डिस्टेंस R2 है सपोज. कैसे है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस? एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस ना. कैसे? एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी और वेलोसिटी क्या होता है डी आर बाई डी टी. अगर एक्स नहीं हम आर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को तो ये बन गया डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर. इसको डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना हम एक्सेलरेशन को. So we have written total force F is equal to ma. Leave one bench and sit. Now for second mass, external plus internal force is equal to
दिस एड इक्वेशन नंबर वन एंड टू लेफ्ट साइड लेफ्ट में राइट साइड राइट में ठीक है क्लियर है ये. नाउ लेट अस राइट एफ वन प्लस एफ टू सेपरेटली एक्सटर्नल फोर्सेस सेपरेटली एंड इंटरनल फोर्सेस सेपरेटली और इधर से कॉमन ले लेते हैं डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर. Let us take common d square by dt square from right hand side. Clear? Ab F1 plus F2 say is total external force and internal forces can cancel out in pairs kyunki F1 2 is minus F2 1. So their sum is zero. Internal forces cancel out in pairs. Is equal to d square by dt square. ये था ना इधर multiply and divide by total mass of both the particles. Multiply and divide right hand side by m1 plus m2. What is m1 plus m2 mass of the system consisting of both the particles? Capital M, let us say. And this term in the bracket, we call it position vector of center of mass. Hum isko bol dete hain RCM. So this is the equation of motion of सेंटर ऑफ मास वेयर व्हाट इज आरसीएम. हमने आरसीएम किसको लिया है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास वी हैव टेकन m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2. वो टोटल मास ले लिया ना दोनों पार्टिकल्स का मास ऑफ सिस्टम. इंक्रीज कैसे हो जाएंगे? हाँ अगर तीन है चार है टर्म्स ऐड करते जाओगे. दिस इज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टिकल्स राइट नाउ. ठीक है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है वही है F इक्वल टू एम ए वही डी स्क्वायर आर बाय डी बट इट इज नाउ फॉर सेंटर ऑफ मास एंड वी गॉट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वी कैन राइट कोऑर्डिनेट सेपरेटली एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. यहाँ पे आप लिख सकते हो Where XCM, X coordinate of center of mass. अगर आप इधर X ले लेते हो तो X coordinate आ जाएगा. अगर आप Y coordinate लेते हो तो Y आ जाएंगे. यहाँ So this way you can find X and Y coordinates of center of mass. So for n particles, the terms will be extended up to that. Three terms hain, toh ek aur term aa jayegi. Four hai, toh do aur terms aa jayengi like that. Let us take a special case. Suppose masses are equal.
पुट करिए यहाँ पे क्या आएगा, एम कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आर सी एम आ गया, ये क्या होगा मिड पॉइंट ही होगा ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब अगर दो इक्वल मासेज हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आ जाएगा। सो मैथमेटिकली आल्सो वी हैव प्रूव्ड दैट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल मासेज विल हैव द सेंटर ऑफ मास एट द सेंटर पॉइंट एट द मिड पॉइंट। तो ये एक स्पेशल केस है, अगर हमने मासेस सेम ले लिए तो सेंटर पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल मिड पॉइंट पे आ जाएगा। गॉट इट नाउ? तो सेम वे आप एन पार्टिकल्स के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। नाउ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब इसकी मोशन का कंसिडर करते हैं। तो इसकी इक्वेशन आई एफ एक्सटर्नल अब अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो लेट अस डिस्कस हाउ द सेंटर ऑफ मास विल मूव। पुट एफ जीरो हियर, ये जीरो हो गया। अब मास तो जीरो है नहीं है, दैट मींस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर वुड बी जीरो। वी कैन राइट लाइक दिस, इज दिस स्टेप क्लियर? हां जी, क्या क्या लिखा है? एम नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू डाल के नॉट डाला है, ये क्या लिखा है? यही इक्वेशन लिखी जो हमने डिराइव की, वहीं से स्टार्ट कर दिया ना कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो फर्दर क्या हो। अब मोशन डिस्कस कर रहे हैं, पहले हमने इक्वेशन निकाल ली सेंटर ऑफ मास की, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव इट्स इक्वेशन। अब इसका लिख सकते हो डी बाय डी टी ऑफ, कितना टाइम लगता है मैल लाने में? आपसे नहीं पूछा ना अरे मन, है ना? एक डी बाई डी टी यहां लगा लिया, व्हाट इज डी आर बाई डी टी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज डीवी बाई डी टी? एक्सेलरेशन। नहीं, यहां से हम क्या डिराइव करेंगे? डेरिवेटिव कांस्टेंट जीरो है, किसका डेरिवेटिव जीरो होता है? कांस्टेंट का। तो फ्रॉम हियर वी गेट दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट। तो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट, इट विल बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है? वो तो यहीं से जीरो हो गई थी, है ना? पर उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, कंक्लूजन क्या आएगा जो हमें प्रैक्टिकली दिखाई देगा, वो ये है कि सेंटर ऑफ मास विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका एक एग्जांपल है डिके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है, पहले वो रेस्ट पे है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो फॉर द पेरेंट न्यूक्लियस। Then it splits into two daughter nuclei. दो fragments release कर देता है ये daughter nuclei and laws of motion में हमने पढ़ा है कि वो opposite direction में fly off करेंगे, that is for sure. एक की velocity अगर positive है दूसरे की negative ही होगी, है ना? तो एक की जो velocity है दूसरे की negative है, तो center of mass still will be at rest. अगर एक इधर गया है उधर गया है तो सेंटर मास अभी भी रेस्ट पे, सिस्टम का सेंटर मास अभी भी रेस्ट पे, यू कैन वेल इमेजिन दैट।
तो सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे था बाद में भी उसकी वेलोसिटी जीरो ही आएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। बिफोर एंड आफ्टर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, डिके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेज अलोन। सो इन दिस एग्जाम्पल नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, दैट्स व्हाई इफ बिफोर द डिके सेंटर ऑफ मास वॉज एट रेस्ट, आफ्टर द डिके ऑल्सो इट विल रिमेन एट रेस्ट। This is what we mean by the article, motion of center of mass. Another example, Diwali पे एक आपने cracker air में throw किया, चला के air में throw किया, क्या path होता है उसका? Mid air में जाके ये burst हो गया into different fragments, ठीक है? तो center of mass जो है, अब fragments तो अलग अलग direction में चले गए, पर अगर आप इन सब का एक पाथ नोटिस करो, सेंटर ऑफ मास जो है वो अभी भी इधर ही रहेगा। अगर सपोज एक फ्रेगमेंट रह गया हो इस डायरेक्शन में इधर को, तो आप देखोगे वो पैराबोलिक पाथ में ही जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास जो था वो अभी भी उसी वेलोसिटी से जाएगा जिससे पहले जा रहा था। जो फ्रेगमेंट में डिवाइड होने से उसके ऊपर उसकी मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो क्रैकर मिड एयर में जाके बर्स्ट हुआ है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेज अलोन, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास अभी भी अपने प्रीवियस पाथ में मूव करता रहेगा, इसकी मोशन अनअफेक्टेड रहेगी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। दैट इज व्हाट वी मीन टू से कि उस ऑब्जेक्ट के पार्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका जो सेंटर ऑफ मास है, विल स्टिल बी मूविंग अलोंग द सेम पाथ बिफोर डिके आफ्टर डिके ऑल्सो, बिफोर बर्स्टिंग ऑल्सो आफ्टर बर्स्टिंग ऑल्सो, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल, ऐसे ही आप और एग्जाम्पल ले सकते हो। अर्थ जो है वो प्लेनेट है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इन दोनों का एक सेंटर ऑफ मास लिया जा सकता है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसी वेलोसिटी से, ठीक है? तो इनका हम अर्थ और मून के बीच में एक सेंटर ऑफ मास भी ले सकते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और उसकी मोशन अनअफेक्टेड रहती है। Is that fine? Motion of center mass is clear to you? Let's do one question, numerical problem. कि एक जो अभी फॉर्मूला बताया था RCM, XCM और YCM ये कैसे सॉल्व करते हैं? एक क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर। We are to find center of mass of four masses kept the corners of a square of side 10 meter, 1 kg, 2 kg, 3 kg और 4 kg, चार masses पड़े हैं एक स्क्वायर के कॉर्नर पे, हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, स्क्वायर की साइड है 10 meter। तो पहले हमें एक ओरिजिन चूज करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए। क्वेश्चन लिखो, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्क्वायर at the corners of which four masses are kept. Find center of mass of the square of side 10 meter at the corners of which four masses have been kept. So, yahan pe pehle hum origin choose kar lete hain, suppose D point pe origin choose kar lete hain. डी पे ओरिजिन चूज कर लिया तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0, सी के क्या होंगे 10 0, बी के क्या होंगे इसके 0 10, इसका कितना हो गया, हाँ 10 10। अब आप फॉर्मूला लगाओ, हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। ठीक है, अब M1 क्या है, ये M1 है सपोज, इसको M1 ले लो, यहां लिख लो आप X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3,
एक्स फोर वाई फोर। तो पहले एम वन ये आपका 1 kg हो गया, उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया एक्स वन 0, एम टू आपका 2 है इंटू 10, फिर 3 इंटू 10, फिर प्लस 4 इंटू 0 ओवर 1 + 2 + 3 + 4। इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा सेम वे, तो आप ऐसे लोकेट कर सकते हो। हाँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे आपको। फाइव आ गया, अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो। ये कितना आया 3/3 meter आ गया। क्या फाइव और 3 meter पे आ गया इसका, क्योंकि मासेस इक्वल नहीं है ना, इसलिए कहीं और पे आया। अगर ये 10 था ये 5 होगा, ठीक है, और अगर ये 10 था तो 3 कहीं पे यहाँ होगा, 5 तो यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ कहीं होगा, इसके सेंटर पे नहीं होगा क्योंकि मासेस अनइक्वल है। मासेस अनइक्वल है ना, अगर मासेस सेम होते फिर आपका सेंटर पे आ जाता। हाँ, तो हेवियर की तरफ आ रहा है, देखो हेवियर पोर्शन इधर वाला हो गया ना, जहाँ 4 और 3 kg वाले है, उसी साइड पे आया आपको। वो देखो मासेस की अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ओरिजिन कोई और ले लोगे तो ये चेंज हो जाएगा, अगर आप यहां से ले लोगे ना, यहां से आएगा आंसर तो वही रहेगा, आंसर तो वही रहेगा।